इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और रविवार का दिन है। दशमी तिथि आज शाम 4:21 तक रहेगी। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को श्री गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। आज शाम 6:50 तक परिघ योग रहेगा, साथ ही आज शाम 6:50 तक चित्रा नक्षत्र भी रहेगा। इसके अलावा आज देर रात 1:56 से लेकर कल दोपहर 1:31 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्ती किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शाम 6:50 से कल सुबह 6:11 तक रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 जुलाई की रात 1:35 से अगली सुबह 5:36 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:42 से रात 8:35 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 25 जून की सुबह 6:40 से दोपहर पहले 11:40 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:42 से दोपहर 2:16 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:42 से दोपहर 2:16 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त जी है सुबह 9:42 से शाम 4:36 तक और शाम 6:54 से रात 1:04 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 जून की दोपहर 2:16 से शाम 4:04 तक और शाम 6:23 से रात 9:04 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 9:42 से शाम 4:36 तक और शाम 6:54 से रात 12:04 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब ये अशुभ समय 21 जून की दोपहर 2:39 पर होगी। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, तुला, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:37 से शाम 7:22 तक। मुंबई शाम 5:39 से शाम 7:18 तक। चंडीगढ़ शाम 5:42 से शाम 7:28 तक। लखनऊ शाम 5:19 से शाम 7:03 तक। भोपाल
शाम 5:27 से शाम 7:09 तक, कोलकाता शाम 4:42 से शाम 6:23 तक, अहमदाबाद शाम 5:46 से शाम 7:27 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 5 बजे से शाम 6:37 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण और पश्चिम। आज घर से निकलकर दक्षिण या पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। आज हर काम में आपको सफलता के सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। किसी पुराने दोस्त से मिलने का योग बन रहा है। इस राशि के मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। सेहत के लिहाज से आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। सफलता के कई नए मार्ग खुलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका कोई सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। इस राशि के छात्रों के करियर में नया बदलाव आएगा जो उनके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। आप बेहतर महसूस करेंगे। इस राशि के जो लोग सोशल साइट्स के काम से जुड़े हैं उनकी जान पहचान किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो उनको काफ़ी लाभ पहुँचाएगा। बिजनेस के किसी काम से आज आपको बाहर जाना पड़ सकता है। रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। आज आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज आपकी किसी पुरानी समस्या का समाधान निकल आएगा। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। आपको दूसरों से अपनी पर्सनल बात शेयर करने से बचना चाहिए। साथ ही जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। आपको बहुत अपनी सोच और व्यवहार को आज संतुलित बनाकर रखने की जरूरत है। आपका दाम्पत्य जीवन मधुरता से भरपूर रहेगा। आप अपना काम अच्छे से पूरा कर लेंगे। कार्यक्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज किसी काम में आपको अनुभवी व्यक्ति से मदद मिलने की संभावना है। परिवार वालों के साथ शॉपिंग करने का प्लान बनाएंगे। आज पैसों का लेन देन करने से आपको बचना चाहिए। संगीत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। आज किसी तरह की पुरानी बातों पर ध्यान देना आपको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों के साथ रिश्तों में सुधार आएगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज आप अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कोई नई योजना बनाएंगे। घरेलू समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में आप सफल होंगे। इस राशि के जो लोग सरकारी नौकरी में हैं आज उन्हें कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आपको बड़े अधिकारियों से भी पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। घर परिवार में भी स्थिति अनुकूल रहेगी। छात्रों को आज अपने गुरु से कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज परिवार वालों के साथ हंसी खुशी के पल बिताएंगे। आपका आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत बना रहेगा। इस राशि के कॉमर्स स्टूडेंट्स को अपने शिक्षकों का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर भी सामने आएंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको सुख की प्राप्ति होगी। आपको पैसे कमाने के लिए नए आइडियाज मिलेंगे जिन पर आप गौर भी फरमाएंगे। घर में सुख शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज पारिवारिक मामलों को लेकर आपको थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। ऑफिस में काम धीमी गति से पूरे होने की संभावना है। बच्चों के साथ आज आपका समय अच्छा बीतेगा। आप किसी नए काम पर सोच विचार कर सकते हैं। किसी बात को लेकर भाई से थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन संयम से बात करें, बात संभल भी सकती है। नए लोगों से मिलने से आपको फायदा हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज किसी खास काम में आपको फायदा होगा। भाई बहन के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। जीवन साथी आपकी बातों से प्रभावित होंगे। बिजनेस के मामले में आपका दिन अच्छा रहेगा। सामाजिक कामों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। कुछ नए कामकाज आपके सामने आएंगे जिनके लिए आपकी कुछ जरूरी लोगों से मुलाकात भी होगी। आज शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1।
धनु राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। ऑफिस में सभी लोगों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। अचानक नए सोर्सेस से हुआ धन लाभ आपकी आर्थिक स्थिति को संतुलित कर देगा। आप शाम को किसी समारोह में शामिल हो सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मिलकर आपका मन प्रसन्न होगा। लव मेट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। उचित दिशा में की गई मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिहाज से आज का दिन बेहतर है। आप हर काम को धैर्य और समझदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ऑफिस का बढ़िया माहौल आपको खुश करेगा। कुल मिलाकर आज का दिन बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज कामकाज से जुड़ी कोई बड़ी चुनौती आपके सामने आएगी, लेकिन आप उस चुनौती को तुरंत ही पार कर लेंगे। आपको अचानक धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। ऑफिस में बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। प्रमोशन होने के भी योग बन रहे हैं। आपकी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। परिवार के सब लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहेंगे। सेहत के मामले में आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज ऑफिस के काम में आप बिजी हो सकते हैं। समाज में किसी मुद्दे को लेकर आपको अपनी बात दूसरों के सामने रखने का मौका मिलेगा, जिसका प्रभाव कुछ लोगों पर साफ दिखेगा। आपका आर्थिक पक्ष थोड़ा कमजोर हो सकता है, इसलिए आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार के कुछ मामलों को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए। परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल बनेंगी। बाहर का खाना खाने से बचें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज सूर्यदेव को नमस्कार करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ घर की सफाई करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, विद्यार्थियों को आज घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। मूलांक 2, माता पिता की सलाह और उनका आशीर्वाद आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मूलांक 3, विवाहित लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। जीवन साथी आपकी कदर करेंगे। मूलांक 4, किसी भी परिस्थिति में अपना काम समय पर कर लेंगे, जिससे बॉस खुश होंगे। मूलांक 5, रिश्तों के मामले में आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 6, आज आपको अच्छी खबर मिलेगी, जिससे पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। मूलांक 7, अगर आप कॉस्मेटिक का व्यापार कर रहे हैं तो आज आपको अधिक लाभ होगा। मूलांक 8, जीवन साथी का काम में सहयोग मिलने से आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। मूलांक 9, आज का दिन किसी यात्रा में बीत सकता है। यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम आपको बताएंगे आग्नेय कोण में विभिन्न रंगों के इस्तेमाल की। आग्नेय कोण का तत्व काष्ठ यानी लकड़ी है। इसका संबंध व्यापार और विकास से है। शरीर में इस दिशा का प्रभाव नितंब पर पड़ता है। अगर आपके नितंबों में कोई कष्ट है तो आग्नेय कोण के वास्तु सुधार और सही रंग पर ध्यान देना चाहिए। इस दिशा का नैसर्गिक रंग हरा है। इस दिशा में हरा रंग करवाने से इस दिशा संबंधी तत्वों के सही परिणाम प्राप्त होते हैं। गर्मी के महीने की शुरुआत में इस दिशा में रंग करवाना सबसे अच्छा रहता है। आग्नेय कोण का सहायक तत्व वायु है, जो अग्नि को जलने में मदद करता है। सामान्यतः इस कोने में रसोई घर या ड्राइंग रूम बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए। परिवार की बड़ी बेटी का संबंध घर की इसी दिशा से है। कल हम चर्चा करेंगे आग्नेय कोण में लाल रंग के इस्तेमाल की। वास्तुशास्त्र में चर्चा थी आग्नेय कोण में विभिन्न रंगों के इस्तेमाल की। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर अपने घर के वास्तु को बेहतर करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और मंगल और रविवार का दिन है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि और रविवार संडे का दिन है। दशमी तिथि आज शाम 4:21 तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को श्री गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन ही गंगा मैया का आविर्भाव पृथ्वी पर हुआ था। आप जानते हैं कि राजा भगीरथ के कठिन तपस्या के कारण ही गंगा मैया का पृथ्वी पर आगमन संभव हो पाया था।
हालांकि पृथ्वी के अंदर गंगा का वेग को सहने की शक्ति न होने के कारण भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं के बीच स्थान दिया, जिससे धारा के रूप में पृथ्वी पर गंगा का जल उपलब्ध हो सके। इसीलिए आज गंगा मैया के साथ साथ भगवान शिव की उपासना का भी महत्व है। आज के दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति द्वारा अनजाने में हुई गलतियों के दोष से छुटकारा मिलता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करने न जा सके तो वो अन्य किसी पवित्र नदी में गंगा मैया का ध्यान करता हुआ स्नान कर सकता है। और अगर आपके लिए वो भी संभव ना हो तो अपने घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें और दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन गंगा मैया को प्रणाम कर लें। इसके अलावा आज गंगा दशहरा के दिन गंगा स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही लाभदायक होगा, तो गंगा स्तोत्र भी बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। गंगा स्तोत्र इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय गंगाय शिवदाय नमो नमः। नमस्ते विष्णु रूपिणे ब्रह्ममूर्ते नमोस्तुते। नमस्ते रुद्र रूपिणे शांकर्यै ते नमो नमः। सर्वदेवसु रूपिणे नमो भैषज मूर्तये सर्वस्य सर्वव्याधीनां विषक श्रेष्ठये नमोस्तुते। स्थास्रु जंगम संभूत विषहंत्रै नमोस्तुते। संसार विषनाशिन्यै जीवनायै नमोस्तुते। तापत्रय से संहंत्रै प्राणेशै ते नमो नमः। शांति संतान कारिण्यै नमस्ते शुद्धमूर्तये। सर्व संशुद्धि कारिण्यै नमः पापारिमूर्तये। भुक्ति मुक्ति प्रदायिन्यै भद्रदायै नमो नमः। भोगोप भोगदायिन्यै भोगवत्यै नमोस्तुते। मंदाकिन्यै नमस्तेऽस्तु। सर्व स्वर्गदायै नमो नमः। नमस्त्रैलोक्य भूषायै त्रिपथायै नमो नमः। नमस्त्रिशुक्ल संस्थायै क्षमावत्यै नमो नमः। त्रिहुताशन संस्थायै तेजोवत्यै नमो नमः। नन्दायै लिंगधारिण्यै सुधाधारात्मने नमः। नमस्ते विश्वमुख्यायै रेवत्यै ते नमो नमः। बृहत्यै ते नमस्तेऽस्तु। लोकधात्रै नमोऽस्तु ते। नमस्ते विश्वमित्रायै नन्दिन्यै ते नमो नमः। पृथव्यै शिवामृतायै च सुवृषायै नमो नमः। परापरशताढ्यायै तारायै ते नमो नमः। पाशजालनिकृन्तिन्यै अभिन्नायै नमोस्तुते। शान्तायै च वरिष्ठायै वरदायै नमो नमः। उग्रायै सुख जगध्यै च संजीवन्यै नमोस्तुते। ब्रह्मिष्ठायै ब्रह्मदायै दुरितज्ञै नमो नमः। प्रणतार्ति प्रभञ्जिन्यै जगन्मात्रे नमोस्तुते। सर्वापक प्रतिपक्षायै मंगलायै नमो नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। निर्लेपायै दुर्गहंत्रै दक्षायै ते नमो नमः। परापर परायै च गंगे निर्वाणदायिनी गंगे ममाग्रतो भूया गंगे मे तिष्ठ पृष्ठता गंगे मे पार्श्वोरेधि गंगे त्वय्यस्तु मे स्थितः। आदौ त्वमन्ते मध्ये च सर्वं त्वं गांगते शिवे त्वमेव मूल प्रकृतिस्त्वं पुमान पर एव हि गंगे त्वं परमात्मा च शिवस्तुभ्यं नमः शिवे। कहते हैं आज के दिन गंगा स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को अनजान में हुई गलतियों के अशुभ फलों से छुटकारा मिलता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ये थी आज गंगा दशहरा के बारे में चर्चा। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 6:50 तक परिग्रह योग रहेगा। इस योग में शत्रु को विरुद्ध किए गए कार्यों में सफलता मिलती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। साथ ही आज शाम 6:50 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में चित्रा 14वां नक्षत्र है। इसके स्वामी मंगल है, जबकि इस नक्षत्र पर का कन्या और तुला राशियों में विस्तार है। इसका प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा आज चित्रा नक्षत्र के दौरान बेल के पेड़ की उपासना बड़ी ही फलदायी होगी। अगर चित्रा नक्षत्र के जातकों की बात करें तो इस नक्षत्र में जन्मे लोग बड़े ही धनी होते हैं। इन्हें जीवन में हर तरह की सुख सुविधा मिलती है, साथ ही भगवान के प्रति इनकी आस्था बनी रहती है। तो ये थी आज परिग्रह योग, चित्रा नक्षत्र और गंगा दशहरा के बारे में चर्चा। और अब हम चर्चा करेंगे आज गंगा दशहरा के दिन अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए।
हर प्रकार की मुसीबत से अपने आप को बाहर निकालने के लिए आप इन पंक्तियों का जाप करें और मन ही मन गंगा मैया का ध्यान करें। पंक्तियां हैं, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आज इन पंक्तियों का जाप करने से आपको हर प्रकार की मुसीबत से बाहर निकलने में आसानी होगी। अगर आपको अपने करियर संबंधी किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आप उस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद भगवान शिव की उचित विधि से पूजा करें, साथ ही भगवान का जलाभिषेक करें और चंदन अर्पित करें, फिर हाथ जोड़कर भगवान से अपने करियर संबंधी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने करियर संबंधी परेशानियों से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। अपने हर कार्य की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज आप पद्म पुराण में गंगा के विषय में दिए हुए इस मूल मंत्र का 108 बार जप करें। मूल मंत्र है, ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः। आज गंगा दशहरा के दिन इस मूल मंत्र का जप करने से हर कार्य में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपको घर में अग्नि या चोरी आदि का डर लगा रहता है तो इन सब भय से अपने आप को बचाने के लिए आज एक कोरे कागज पर अपने हाथों से गंगा स्तोत्र लिखिए और उस कागज को अच्छे से फोल्ड करके घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। गंगा स्तोत्र आपको इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आज ऐसा करने से आपको कभी भी अग्नि या चोरी आदि का भय नहीं रहेगा। अगर अनजाने में हुए किसी गलती का आपको मन ही मन ग्लानि होती है तो उससे बचने के लिए आज आपको इस पंक्ति का 51 बार जप करना चाहिए। पंक्ति इस प्रकार है, नमस्त्री शुक्ल संस्थायै क्षमावत्यै नमो नमः। नमस्त्री शुक्ल संस्थायै, नमस्त्री शुक्ल संस्थायै क्षमावत्यै नमो नमः। आज इस पंक्ति का जप करने से आपको मन ही मन हो रही ग्लानि या अफसोस से छुटकारा मिलेगा। मतलब आपको जो एक फीलिंग है, पाप का बोध है, ये नष्ट हो जाएगा। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है जो आप जल्दी ही पूरी करना चाहते हैं तो आज गंगा मैया का ध्यान करते हुए इस पंक्ति का 21 बार जप करें। पंक्ति है, शांतायै च वरिष्ठायै वरदायै नमो नमः। शांतायै च वरिष्ठायै वरदायै नमो नमः। आज इस पंक्ति का जप करने से आपकी इच्छा बड़ी जल्दी पूरी होगी। लोगों से अपनी मित्रता कायम रखने के लिए और जीवन में समृद्धि पाने के लिए आज आपको इस पंक्ति का 51 बार जप करना चाहिए। नमस्ते विश्वमित्राये नंदिन्यै ते नमो नमः। आज इस पंक्ति का जप करने से आपकी मित्रता कायम रहेगी लोगों से। अपने अंदर समस्त शक्तियों का संचार करने के लिए, हर तरह की शक्ति पाने के लिए आज आपको गंगा दशहरा स्तोत्र में दी इन पंक्तियों का 5 बार जप करना चाहिए। पंक्तियां हैं, ओम नमः शिवायै गंगायै शिवदायै नमो नमः। नमस्ते विष्णु रूपिणै ब्रह्ममूर्तये नमोस्तुते। आज इन पंक्तियों का जप करने से आपके अंदर अपार शक्तियों का संचार आप महसूस करेंगे। अपने बिजनेस की तरक्की के लिए आज आपको किसी जरूरतमंद को पीने योग्य पानी का दान करना चाहिए, साथ ही उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज ऐसा करने से आपके बिजनेस में निश्चित ही तरक्की होगी। अगर आपको लंबे समय से कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बनी हुई है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और लंबी आयु की प्राप्ति के लिए आज आपको इन पंक्तियों का जाप करना चाहिए। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं, संसार विषनाशिन्य जीवन आये नमोस्तुते, तापत्रे संघंत्रे प्राणे शैते नमो नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको लंबे समय से चली आ रही किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। अपना कल्याण करने के लिए और हर तरह के सुख साधन पाने के लिए आज आपको गंगा दशहरा स्तोत्र में दी इन पंक्तियों का जाप करना चाहिए। पंक्तियां हैं, भोक्ते मुक्ति प्रदायिन्यै भद्रदायै नमो नमः, भोग उपभोगदायिन्यै भोगवत्यै नमोस्तुते। इन पंक्तियों का जाप आज के दिन करने से आपको बड़े ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज गंगा दशहरा के विषय में। आज गंगा दशहरा के दिन विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इनकी चर्चा की। उम्मीद है कि आप इनका लाभ जरूर उठाएंगे। साथ ही आज देर रात 1:56 से लेकर कल दोपहर 1:31 तक
पाताल लोक की भद्रा रहेगी। आप जानते हैं कि भद्रा अशुभ होती है, भद्रा के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन ये केवल तब होता है जब पृथ्वी लोक की भद्रा हो। आज पाताल लोक की भद्रा है, लिहाजा पृथ्वी लोक पर इस भद्रा का कोई अशुभ प्रभाव नहीं होगा। इसके अलावा आज रात 8:34 पर गुरु ग्रह वक्री होकर मकर राशि में गोचर करने लगेंगे। इसकी विस्तृत चर्चा हम जल्दी ही करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्तों दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान का प्लान बनाएंगे जिससे घर में उत्सव का माहौल बनेगा। बी, आपकी योग्यता और कार्यशैली को देखकर आज लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। सी, जो लोग आपको पिछले कुछ समय में जो जिम्मेदारियां आपको मिली थी वो जिम्मेदारियां आज आप पूरा कर लेंगे। डी, अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो मुहूर्त देखिए। ई, किसी रिश्तेदार के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है, अवॉइड करिए। एफ, आज आप किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। जी, आज आपको कामकाज से संबंधित विषयों को गंभीरता से लेना चाहिए। एच, आपके काम की गति धीमी हो सकती है। आई, आप किसी सोच में डूबे रह सकते हैं, टेंशन में आ सकते हैं, अवॉइड करिए। जे, अपने मन की बात जीवन साथी से शेयर करेंगे, बोझ हल्का होगा। के, आपके लिए आज का दिन राहत भरा रहेगा। एल, कारोबार से संबंधित किसी यात्रा पर जाएंगे। एम, आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है, फाइनेंशियल गेन होगा। एन, शाम का समय दोस्तों के साथ बिताएंगे, मन खुश रहेगा। ओ, सेहत के लिहाज से आज आपको तली भुनी चीजें अवॉइड करनी है। पी, बिजनेस करने वाले लोगों को आज कोई बड़ा ऑफर मिलेगा। क्यू, आपकी आज कोई अधूरी इच्छा पूरी होगी। आर, आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। एस, आज आपको लाभ के कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। टी, आपके ऊपर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां आ सकती हैं जिन्हें आप पूरा करेंगे। यू, विवाहित लोगों को आज अपने रिश्तों में बेहतर तालमेल बनाकर रखने की जरूरत है। वी, संतान की तरफ से खुशखबरी मिलेगी। डब्ल्यू, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में फेवरेबल परिणाम हासिल होंगे। एक्स, आज का दिन आपके लिए अच्छा है, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे। वाई, आपको कुछ नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। जेड, ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी जिससे आप पूरा दिन खुश रहेंगे। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं ओरछा के राजा राम मंदिर के दर्शन। अयोध्या में भगवान राम का एक रूप है और ओरछा में राजा राम विराजते हैं। आप भी दर्शन कीजिए ओरछा के राजा राम मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे विभिन्न आकृति के चेहरे वाले लोगों के बारे में। हर व्यक्ति के चेहरे की आकृति उसके शेप कुछ अलग ही देखने को मिलती है जिससे हम व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। मुख्य रूप से चार तरह के चेहरे होते हैं, वर्गाकार, वृत्ताकार, शंकुआकार और ओवल अंडाकार। संक्षेप में बात करें, वर्गाकार लोग सेहत के मामले में स्वस्थ रहने वाले होते हैं, वृत्ताकार थोड़े आलसी और गुस्सैल किस्म के होते हैं, शंकुआकार बुद्धिमान और वैज्ञानिक प्रकृति के होते हैं, ओवल शेप वाले बड़े ही सुंदर आकर्षक और कला प्रेमी होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा विभिन्न आकृति के चेहरे वाले लोगों के बारे में। आगे हम इनके बारे में डिटेल बात भी करेंगे। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 20 जून को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। और फिर दशमी के बाद क्या है, एकादशी तिथि लग जाएगी आज शाम 4:21 से, और जो कल दोपहर 1:31 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिमबी यानी सेम की सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और अब सावधान कोरोना, ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत रिंग 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। आज की टिप ऑफ द डे का, आज एक फूल वाला पौधा कहीं लगाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 01244721000 और 9971000।
226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।